हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये न्यू यूज़र, न्यू वर्कर के लिए है, जो कहीं पे भी लॉगिन करके वो फॉर्म फिल कर सकता है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है, ये हमारा वेबसाइट है। आप ये वेबसाइट का नाम डाल के आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी डिटेल्स दी गई है। आपको फॉर्म ओपन करना है, ऑनलाइन फॉर्म। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन, इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है एंड मोबाइल नंबर जो उस आधार नंबर पर हो। तो मैं आधार नंबर डालती हूँ एंड मोबाइल नंबर। अब जो ये मोबाइल नंबर और आधार नंबर है, ये OTP वेरिफिकेशन के लिए है, यानी कि आप जो वर्कर जो ये फॉर्म फिल कर रहा है उसके मोबाइल नंबर पर जाएगा एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी को हमें यहाँ पे एंटर करना होगा, लिखना होगा। तो हम ओटीपी सेंड करते हैं। OTP जो है वो सेंड हो चुका है। तो अब वो जो OTP है वो मोबाइल नंबर पे आ चुका होगा, तो मैं उसे एंटर करती हूँ। अब जो है ये मैंने OTP डाल दिया, अब ये वैलिड है या नहीं वो चेक करती हूँ। OTP जो है वो वैलिड नहीं है, इसलिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। तो मैं रीसेंड करती हूँ। अब जो है न्यू OTP आ गया है मुझे, ये चेक करती हूँ। ये जो है वैलिड है, इसलिए अब ये फॉर्म जो है हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी स्टार मार्क दिख रहा होगा, स्टार मार्क, वो सारे फील्ड जो है वो मैंडेटरी है, उसे फिल करना ही है, उसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसके बिना फॉर्म जो है वो सेव नहीं होगा। एंड जहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया है, उसे अगर मैंने नहीं फिल किया तो भी चलेगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो वर्कर का पर्सनल डिटेल्स आएगा, तो पर्सनल डिटेल्स डालती हूँ मैं। मिडल नेम, आधार नंबर जो है वो हमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने OTP के टाइम पे जो आधार नंबर डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या मैरिड। अगर वर्कर मैरिड है तो उसे उसके फैमिली डिटेल्स ऐड करने की जरूरत है, तो ताकि उसे आगे की स्कीम जो है फैमिली के लिए वो मिल सके। अगर नहीं सिंगल है तो सिंगल। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एज जो है वो अपने आप कैलकुलेट होके आ गया है। एंड मोबाइल नंबर जो हमने OTP के टाइम पे डाला था, वो मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी आ गया है, तो हमें फिल करने की जरूरत नहीं है, वो डिसेबल हो गया। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि OTP के टाइम पे आपको जो मोबाइल नंबर आपका है वही डालना, जो प्रेजेंट मोबाइल नंबर है। अब आते हैं एड्रेस में। ये जो है मैंडेटरी नहीं है, तो उसको आप नहीं फिल करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपके पास है तो फिल जरूर कीजिएगा। अभी एड्रेस, घर, घर का टाइप क्या है, घर किस प्रकार का है, कच्चा या पक्का, घर का एड्रेस, तो हमने एड्रेस फिल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश वैल्यू डाला है तो मराठी वैल्यू भी अपने आप आ रहा है नीचे, तो हमें मराठी वैल्यू फिर से फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एड्रेस प्रॉपर हो,
अभी यहाँ पे ऑप्शन है ये चेकबॉक्स, अगर मैंने इस पे क्लिक किया यानी कि मेरा जो रेसिडेंशियल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम हुआ, दोनों भी सेम है, तो मैं इस पे क्लिक कर सकती हूँ, तो जो ऊपर के जो भी डेटा, जो भी मैंने एड्रेस फिल किया है वो मुझे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर नहीं, मेरे दोनों भी एड्रेस अलग अलग हैं तो मैं इसे अनचेक करके फिल भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे राशन कार्ड नंबर और राशन कार्ड टाइप, अगर आपका दोनों एड्रेस, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं हो, यानी अगर मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, तो राशन कार्ड नंबर और राशन कार्ड टाइप जो है वो मुझे मैंडेटरी है, देख सकते हो आप यहाँ पे स्टार मार्क है। अगर मैंने कुछ और सिलेक्ट किया जैसे कि दिल्ली, तो मुझे यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिख रहा है, यानी कि वो मैंडेटरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो आपको राशन कार्ड नंबर और राशन कार्ड टाइप देना जरूरी है, अगर नहीं तो नहीं भी डाल दोगे तो भी चलेगा। तो मैं सेम रखती हूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र आया है इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी आ गया है। राशन कार्ड नंबर डालती हूँ, राशन कार्ड टाइप। तो अब हम आते हैं फैमिली डिटेल्स में। फैमिली डिटेल्स में जो सबसे पहले है वो वर्कर का डिटेल है, एजुकेशन। अब मुझे फैमिली मेंबर्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिस पे मैं ऐड करके ऐड भी कर सकती हूँ। तो मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे वाइफ को, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर जो है वो डालना जरूरी है, तो आधार नंबर ध्यान से डालना। अगर आपको यहाँ पे ऐड मोर करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, एंड डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने जो है फैमिली डिटेल्स फिल कर दिया है। अब यहाँ पे नॉमिनी है, नॉमिनी सिलेक्ट करना जरूरी है, लेकिन मैं नॉमिनी सबसे लास्ट में सिलेक्ट करूंगी। और अभी आते हैं, जो अगर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई कोई भी मेंबर पहले से इस अपने हमारे रजिस्ट्रेशन VOCW में रजिस्टर्ड होगा, तो हम यहाँ पे उसे क्लिक कर सकते हैं एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें डालना होगा, अगर नहीं है तो नहीं डालना। और इस यहाँ पे एक बात का ध्यान देना कि वो जो वर्कर है वो 18 ईयर्स की ऊपर ही होगा तो ही उसे ये एनेबल रहेगा करने के लिए, अगर नहीं है तो उसे डिसेबल होगा। जैसे कि अभी ये 6-6 साल की है तो इसलिए यहाँ पे वो डिसेबल है। तो अब हम आते हैं बैंक डिटेल्स में। उस वर्कर का IFFC कोड, बैंक का IFFC कोड डालेंगे। IFFC कोड डालते ही बैंक का डिटेल आ गया, अब हमें अकाउंट नंबर डालना है। अब हम आते हैं एम्प्लॉयर डिटेल्स में। यहाँ पे जो वर्कर जो है वो किसके पास काम कर रहा है, किस कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा है, उसका डिटेल्स यहाँ पे आएगा। तो उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम जहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, उसकी कंपनी का नाम, वर्कर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या काम कर रहा है वो आएगा। वर्क प्लेस आएगा, मोबाइल नंबर उस वर्कर का, यहाँ पे OTP जाएगा। आप जो मोबाइल नंबर डालोगे वहाँ यहाँ पे, तो
वो उसके नोट उसके मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन जाएगा कि ये वर्कर आपकी डिटेल्स इस रजिस्ट्रेशन में फिल किया है। तो मैं मोबाइल नंबर डालती हूँ। तो अब हम इस बात का ध्यान देना कि आप जहाँ पे भी यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करते हैं वहाँ उस WFC में जाके आपको वेरीफाई करना होगा। तो अगर मैं अमरावती सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे अमरावती के डिस्ट्रिक्ट में जाके सिलेक्ट करना होगा, मुझे वेरीफाई करना होगा। तो मैं अमरावती पिन कोड वहां का अपॉइंटमेंट डेट जो है वो हमें जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसके 18 years बाद का ही आएगा। यानी सपोज अगर मेरा 2006 में 18 years कंप्लीट होता है तो उसके बाद वाली ईयर से ही आएगी। तो हम सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने और यहाँ पे मैंने काम कब शुरू किया था इस कॉन्ट्रैक्टर के पास वो डेट आएगी। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ अपॉइंटमेंट डेट, लिख गया डिस्पैच डेट कब मैंने काम को छोड़ा था, कब यहाँ पे लास्ट काम किया था वो डेट आएगी। सैलरी अब है नेचर ऑफ वर्क। अब जो है ये मैं जिस टाइप का काम करती हूँ, जैसे मैं रोड का काम कर रही हूँ तो मैं रोड में क्या काम कर रही हूँ वो मैं सिलेक्ट करूंगी। तो मैं पेंटर। अब हम आते हैं 90 days वर्किंग सर्टिफिकेट डिटेल्स में। जो भी हमारे पास सर्टिफिकेट आता है उसका डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो टाइप ऑफ इश्यूअर, आपको किसने दिया है वो सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर एंड डेवलपर सिलेक्ट करते ही मुझे ये तो जो फील्ड है वो ऐड हो गया है। अगर मैंने ग्राम सेवक सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अगर आपके पास ये तीनों ने भी नहीं दिया, किसी और ने दिया है, तो आप अदर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर एंड डेवलपर सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे रजिस्टर विद रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्पैच नंबर डिस्पैच डेट नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे जिसने भी आपको ये सर्टिफिकेट दिया है उसका नाम आएगा। अब यहाँ पे जो है हमें हमने कितने दिन काम किए हैं वर्किंग डेज वो डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो मैं अब जो ये फ्रॉम डेट एंड टू डेट जो है वो हमें अपॉइंटमेंट डेट एंड डिस्पैच डेट के अंदर वाली ही लेनी है। एंड इस बात का ये भी ध्यान देना कि ये जो है जो हमारा सर्टिफिकेट है वो आज के डेट से 1 साल पहले तक के बीच का ही होना चाहिए, 90 days कंप्लीट। यानी अगर अभी 2019 चल रहा है तो 2018 तक का ही वो ले ले सकता है। तो 2018 में मैं लेती हूँ सिलेक्ट 20 to date। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 के बाद से ही वो आया है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ January 25। अब जैसे ही मैंने कम डेट सेलेक्ट किया है तो मुझे एक मैसेज आ गया है कि मेरा 90 days वर्किंग डेज जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने कितने डेज सिलेक्ट किए हैं।
अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे एक बटन भी दिया है जिससे हम ऐड मोड मतलब ऐड भी कर सकते हैं एंड नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड करके लेटर्स फिल करती हूँ। अब जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं कि जो ये है ये डेट से ही शुरू हुआ है, यानी कि मैं इसके आगे वाला ही डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ 10। अब भी मेरा 90 डेज कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेरा 90 डेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मुझे मैसेज आ रहा है। एंड अब मेरा 90 डेज के ऊपर हो गया है इसलिए मैसेज नहीं आया। मतलब क्या है कि अब 90 डेज मिनिमम डेट है जो सिलेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा। अब हम आते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हम आप जो भी प्रूफ जो है आप लेके जाने वाले हो वो सारे प्रूफ हमें यहाँ पे डालने हैं और अटैच भी करना है। जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो सबसे पहले फोटो आईडी में मैं आधार कार्ड लेती हूँ, एड्रेस, राशन कार्ड, प्रूफ ऑफ एज, एज प्रूफ, बैंक पासबुक लेके जाना भी जरूरी है, 90 डेज वर्किंग सर्टिफिकेट। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेंट फोटो अपलोड करना है। हम यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, देन वर्कर का अपलोड कर देंगे। अब हम आते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, देन है सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार डिक्लेरेशन, देन 90 डेज वर्किंग सर्टिफिकेट, फिर बैंक पासबुक। अब जो है यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का एक है चेकबॉक्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना ही है। ये अच्छे से ध्यान से पढ़ ले एंड देन चेकबॉक्स पे क्लिक करें। अगर आप चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करते हो तो फॉर्म जो है वो सेव नहीं होगा जब तक ये एरर मैसेज जाता है। अगर आपका कोई फील्ड जो है ब्लैंक रह गया हो, जैसे कि मैंने ये वाले फील्ड ब्लैंक रखे, जो भी मैंडेटरी है उसमें से अगर कोई फील्ड ब्लैंक रह गया हो तो है, सपोज मैंने ये भी ब्लैंक रखा तो जो है मुझे वो एरर मैसेज नीचे शो हो जाएंगे। तो अगर मैंने बिना वो फिल किए अगर मैंने सेव किया तो मुझे एक एरर मैसेज आएगा कि फॉर्म नॉट वैलिड, अभी भी हमारा फॉर्म जो है वो पूरी तरह से हुआ नहीं है, इसलिए मुझे वो एरर मैसेज आ रहा है। तो मैं अब वो जो फिल बाकी था मैं फिल कर देती हूँ। अब मुझे एक और मैसेज आया कि नॉमिनी रिक्वायर्ड। मैंने आपको कहा था कि मैं नॉमिनी सबसे लास्ट में सिलेक्ट करूंगी, मैं इसी वजह से बोली थी कि नॉमिनी जो है हमें सिलेक्ट करना ही है, हम बिना नॉमिनी के सिलेक्ट किए आगे ये फॉर्म को सेव नहीं कर सकते। तो फैमिली मेंबर में से किसी भी एक को हम नॉमिनी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने नॉमिनी सिलेक्ट किया। अब हम सेव करते हैं। अब जो हमारा फॉर्म जो है वो सेव हो चुका है एंड हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड उस हमें कहाँ वेरिफिकेशन के लिए जाना है, वो जगह किस WFC में हमें वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो
जगह का नाम, जैसे कि अमरावती, अमरावती में मुझे जाके वेरीफाई करना है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास। तो अब जो है ये हमें एक मैसेज आ चुका होगा मोबाइल पे कि ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है एंड ये इस WFC में जाके हमें वेरीफाई करना है। तो अब मैं क्लिक करती हूँ ओके। अब जो फॉर्म जो है वो हमारा सेव हो चुका है एंड हम वापस से इस WFC में आ गए हैं। तो इस तरह से हम न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।